साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। किसान साथियों, फरवरी के दूसरे सप्ताह में मैंने ये जो पौधे हैं इनकी कटिंग की थी। इनका प्लांटेशन 25 जून 2019 को किया था और फरवरी में जो मैं आपको दिखाऊंगा उस समय मैंने इनके पत्ते तोड़ दिए थे। कटिंग के बाद जो मैंने पत्ते तोड़े थे तो मुझे कुछ किसान भाइयों ने सलाह दी थी कि पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए थे क्योंकि पौधे छोटे हैं, लेकिन मैंने फिर भी इस सिद्धांत पर कि पत्ते अनावश्यक ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उससे कल्ले निकलने में समस्या आती है, मैंने पत्ते तोड़ दिए थे। आज मैं आपको ये चार चीज़ें दिखाऊंगा। पहली के फरवरी में पौधों की स्थिति कैसी थी और दूसरी के जब मैंने कटिंग की थी और पत्ते तोड़े थे तब कैसी स्थिति थी, और तीसरी मैं ये दिखाऊंगा कि जो मैंने 10 तारीख को 10 जून को 2020 को मैंने इनमें खाद दिया तब ये कैसे थे, और आज 12 जून को मैं इसी खेत में खड़ा हूँ कि मैं ये दिखाता हूँ कि इन पौधों की स्थिति क्या है। तो चलिए देखते हैं। किसान साथियों, आपने देखा कि कटिंग से पहले पौधे कैसे थे और अब आप देखिए कि कटिंग के बाद पौधे कैसे हो गए थे और मैंने जब इनके पूरे पत्ते हटा दिए थे पौधे कैसे दिख रहे थे। किसान भाइयों, ये पूरी लाइन देखिए आप, ये पूरी लाइन, तो इसमें मैंने कटिंग कर दी है अपने अमरूद की। ये देखिए जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया है, उस कटिंग के बाद इसमें मैंने ये खाद लगवा दिया है, ये खाद पड़ा हुआ है और खाद लगाकर ये ड्रिप डाल दी है। अब इसमें हम पानी दे देंगे, क्योंकि इसमें चना लगाया हुआ है बीच बीच में, तो इस प्रकार हमने इसमें ड्रिप से पानी दे देंगे। ये देखिए कितना अच्छा है। अब इसमें आप देखेंगे तो कल्ले निकलने शुरू हो गए। बस ये मैंने कल की थी कटिंग इसकी, आज 19 फरवरी है और इसमें चूँकि गर्मी का महीना शुरू हो चुका है थोड़ा सा और अब कल्ले चलने शुरू हो गए हैं। तो किसान भाइयों, इस प्रकार जो आपने जून में लगाए हैं पौधे उनकी कटिंग करिए, उनमें खाद लगाइए और पानी दीजिए। पौधे चूँकि छोटे हैं, ये 6 महीने के हैं, तो इनमें गर्मियों में आपको पानी देने का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हर तीसरे चौथे दिन अगर ड्रिप है तो ड्रिप चलाइए, नहीं तो सप्ताह में एक बार पानी अवश्य दीजिए। और इनके आसपास आप देखेंगे लाइन बिल्कुल साफ है, इनके आसपास आप सफाई रखिए। किसान साथियों, अब आप ये देखिए कि जो मैंने 10 जून को इनमें खाद लगाया था उस समय पौधे कैसे थे और मैंने खाद लगाकर जो पानी दिया था उसकी स्थिति को देखिए। ये इसमें 3 पेड़ एप्पल बेर के हैं, देखिए इनमें मैंने खाद डलवा दिया है आज, गोबर का खाद, यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट, पोटास और मैग्नीशियम सल्फेट। ये देखिए
खाद लगाने के बाद मैंने पानी दे दिया, ये देखो किसान साथियों, आज है 12 जून 2020। 10 तारीख को मैंने खाद लगाने के बाद जो पानी दिया था, उसके बाद आप ये देखिए स्थिति जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए किसान साथियों, इसमें ये 21 लाइन है टोटल, और एक लाइन में तीन पौधे हैं। ये मेरे जो हैं तीन पौधे एप्पल बेर के हैं, और 60 पौधे यानी 60 पौधे अमरूद के हैं। मैंने बताया था कि इसमें 5 वैरायटी हैं। इसमें अलाहाबादी सफ़ेदा है, ताइवान पिंक ग्राफ्टेड है, इसमें धवल है, और इसमें जो थाई 1 kg है जिसे थाई VNR बोलते हैं वो भी है, और इसमें श्वेता है। तो अब आप देखिए कि जब मैंने पत्ते तोड़ दिए थे और आज स्थिति कैसी है, ये देखिए। मैंने इनकी कटिंग की थी बहुत छोटी छोटी, और देखिए कितनी फ्रूटिंग शुरू हो गई ऊपर, ये देखिए। किसान साथियों, पौधे छोटे हैं और आप फ्रूटिंग देखिए इन पर, ये देखिए। ये अलाहाबादी सफ़ेदा है। किसान साथियों, मैंने जो बड़े बाग में है उसे भी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कि उसमें पौधों में, बहुत पौधों में मैंने ग्रोथ रेगुलेटर का भी प्रयोग किया, लेकिन फलन कुछ में तो बिल्कुल नहीं आया, कुछ में ठीक आया और कुछ में कम आया। क्योंकि पौधों की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी, इसीलिए मैं बार बार जो भी मुझसे सलाह लेते हैं मैं ये कहता हूँ कि बागवानी में सबसे बड़ा खेल है आपके पौधों की क्वालिटी। अगर आपके पौधे अच्छे हैं तो उनमें सभी चीज़ अच्छी होगी। ये देखिए अलाहाबादी सफ़ेदा। किसान साथियों, ये फूल जो अभी कलियाँ निकली हैं ये उसकी हैं जो सर्दियों के फल आएंगे। और ये देखिए, ये जो अमरूद है ये पहले वाला है, इसको मैं तोड़ दूंगा, छोटा सा बना है, ये बरसात के लिए था। ये देखिए किसान साथियों, आप सभी पौधों में भरपूर, अभी तो मैंने इनकी कटिंग बहुत जल्दी की थी तो इसलिए कम है फ्रूटिंग, अभी देखना बहुत फ्रूटिंग आएगी। और मेरा इरादा हर पेड़ से कम इस बार 4 से 5 अमरूद लेने का है। तो ये देखें किसान साथियों, ये पूरा बाग मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। ये देखिए मैंने इसमें किस तरह से खाद लगवाया था, ये आपने देख लिया, और ये देखिए पूरा बाग। ये किसान साथियों श्वेता है, देखिए इसमें भी फ्रूटिंग आई हुई है, देखिए कितनी फ्रूटिंग है, मैं रख ही नहीं सकता सब फ्रूटिंग। और देखिए ये मैंने कटिंग की हुई थी इसकी, यहाँ से मैंने लास्ट में कटिंग की थी, लगभग 1 फुट की छोड़कर कटिंग की थी। ये देखिए, ये कटिंग कर दी थी और अब इसमें यहाँ पर फूल आ रहा है, कलियाँ निकल रही हैं, ये देखिए। तो किसान साथियों, हमारे इस प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि फरवरी में अगर आप बरसात की फसल लेते हैं तो फरवरी में कटिंग के बाद पत्ते अवश्य तोड़ दीजिए। और अगर आपके पौधे, चूँकि ये जो केस है ये हमारा 1 साल से छोटे पौधे थे, इन पौधों का प्लांटेशन हमने 25 जून 2019 को किया था, और फरवरी में ये कुल 8 माह के पौधे थे। और जब हमने इनकी कटिंग की छत्रक बनाने के लिए, जो हमारी तीसरी कटिंग थी वहाँ पर, तो हमने सभी पत्ते गिरा दिए थे। तो ये कहा गया था कि पत्ते नहीं गिराने चाहिए, अच्छी फुटान नहीं होगी। ये परिणाम आपके सामने है, ये मेरा सक्सेसफुल परिणाम है, मेरा नहीं है, जो अनुसंधान वैज्ञानिकों ने किया है, जो बताया गया है उसके अनुसार कटिंग की है, और इनमें देखिए भरपूर जो है ना पौधे उभर कर आए हैं। किसान साथियों, किसी की भी कही हुई बात पर मत विश्वास कीजिए। अगर कोई आपको किसी चीज़ का प्रमाण देता है तभी देखिए, आप मेरे बाग में आइए और देखिए और तब विश्वास करिए। इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार,
जय हिंद, जय भारत।